मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 5 और 6 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि आकृति 6.17 या आकृति 6.17 है में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा P के ऊपर लंब है, ये लंब है अर्थात ये 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। किरणों OP और OR के बीच में OS, OP और OR के बीच में ये OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर आधा कोण QOS घटा कोण POS, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज दे रखी है कि ROQ एक जो कोण है वो 90 डिग्री है, कोण ROQ बराबर, और ये भी तो POR इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री, कोण POR ये दोनों कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री है, समकोण है, दे रखा है। और जो दो कोणों की घटा का आधा हमें इसके बराबर दिखाना है उसको हम पहले ले लेते हैं कि कोण QOS किसके बराबर होगा, देखो QOS ये दो कोणों के बराबर है, दो कोणों के जोड़ के बराबर, ROQ और SOR, ठीक है, कोण ROQ जमा कोण ROS, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इन दोनों के बराबर है ये। और दूसरा कोण है POS को देखो, POS ये है, यदि ROP ये जो कोण है ROP या POR इसमें से इस कोण को बीच वाले कोण को घटा दें तो यही बचेगा, तो हम लिखेंगे कि कोण POR में से यदि हम कोण ROS को घटा देते हैं तो हमारे पास यही कोण आता है, कौन सा, POS। अब दो समीकरण हमारे पास हो गए हैं, हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे, घटाने पे क्या बचेगा, देखिए कोण QOS घटा यहाँ से कोण POS, और इधर क्या बचा, इधर तो पहले ही है कोण ROQ जमा कोण ROS, ये घटाएगा कोण POR जमा कोण ये ROS, ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि ROQ और POR ये दोनों बराबर है, ROQ और POR ये दोनों 90 डिग्री के हैं, एक जोड़ का एक घटा का, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, कोण QOS घटा कोण POS किसके बराबर बच गया, ROS और ROS, दो बार ROS को आएगा कोण ROS, दो बार ROS के बराबर आ गया, और ये दो इधर गुणा में है इसके साथ, तो इधर किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो कोण QOS घटा कोण POS और इस सारी के बटे दो का मतलब 1/2 कर देते हैं, किसके बराबर आ गया, ROS के बराबर हमारे पास आ गया है। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ROS बराबर आधा कोण QOS नेगेटिव POS, ठीक है ना, तो इससे हमें ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 के अंदर ध्यान से इसको पढ़ें कि यह दिया है कि XYZ एक कोण है वो 64 डिग्री है, हमने कोण ले लिया कितने डिग्री का देखता है, 64 डिग्री का देखता है, 64 डिग्री, ठीक है। उसके बाद XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY को बिंदु P तक, यहां कोई बिंदु P ले लेते हैं, P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद दी गई सूचना से आकृति खींची, ये आकृति हम बनाने ही लग रहे हैं साथ में, यदि किरण YQ यहां से कोई किरण YQ है, यहां पे क्यू है, पूरा पढ़ते हैं YQ ZYP को संधिवाहित करता, इस कोण को जो ये कोण हमें दे रखा है इसको संधिवाहित करता है, जितना इधर बच गया उतना ही इधर बच गया, ठीक है ना, संधिवाहित का मतलब बराबर भागों में बांटना, को संधिवाहित करती है, तो XYQ ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती QYP, कौन सा QYP का प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम देख रहे हैं यहां से कि एक सीधी रेखा बनी हुई है, और यदि हम पहले वाले कोणों की बात करें XYZ सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे कि XYZ कोण जमा ZYP कोण ZYP किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर, क्यों लिखेंगे, क्या है ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, एक तो ये कोण XYZ और एक ZYP, ठीक है। अब XYZ हमें पहले ही दे रखा है 64 डिग्री, ठीक है, कोण ZYP,
बराबर है 180 डिग्री। यहां से कोण जेड वाई पी किसके बराबर बच गया, 180 डिग्री घटा 64 डिग्री, अर्थात कोण जेड वाई पी किसके बराबर आ गया हमारे पास, इसको घटा देंगे 116 डिग्री के हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जेड वाई पी जो कोण है, जेड वाई पी वो दो कोणों के बराबर है। जेड वाई पी कोण क्या है, जेड वाई पी कोण दो बराबर कोणों से मिलकर बना है। किन किन कोणों से मिलकर बना है, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी। तो जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी, ये दोनों कोण बराबर है, ये और ये इसके आधे हैं, इसके आधे हैं। तो 116 डिग्री बटे दो करेंगे हम, दो पद दस, दो अठे सोलह, कितने कितने डिग्री के आगे, 58 डिग्री के हमारे पास ये आगे है। ठीक है, 58 डिग्री के आगे। अब हमें पहला कोण ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू वो किस किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड, और दूसरा कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, इन्हीं के बराबर है, दोनों के जोड़ के बराबर है। ये पूरा कोण इन दोनों के बराबर है, जोड़ के बराबर है। तो 64 डिग्री जमा 58 डिग्री हम कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 122 डिग्री ये कोण हमारे पास एक्स वाई क्यू आ गया इन दोनों का जोड़। ठीक है, अगला कोण हमें ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती किसका प्रतिवर्ती, कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। अब कोण क्यू वाई पी, ये क्यू वाई पी किसके बराबर है, क्यू वाई पी यहां पे आया 58 डिग्री, और इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 डिग्री में से 58 डिग्री को घटा देंगे। प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से ही वो कोण घटाना होता है, बस घटा देते हैं इसको, हमारे पास से आ गया 302 डिग्री, 302 डिग्री प्रतिवर्ती क्यू वाई पी हमारे पास आ गया है। और हमारे पास एक्स वाई क्यू कोण किसके बराबर है, 122 डिग्री। तो यही से एक्सरसाइज के दोनों लास्ट प्रश्न थे, पांचवा और छठा है। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये पूरी प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।